गुना जिले के प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिर में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। भूषण सहित अन्य जरूरी सामान पर हाथ साफ किया। इतना ही नहीं, चोरों ने गार्ड को पेड़ से बांधकर बंद निकला। इस वारदात को 6 फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और खोजी डॉग भी घटना स्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने डकैतों को पकड़वाने वाले को 10,000 रुपए देने की भी घोषणा की है। आज निंदनीय कार्यक्रम आभूषणों में बालाजी का छत्तर, मुकुट, बालाजी के कड़े, माला, दो मुष्टिमाएं, पर्वत, 10-12 किलो के लगभग चांदी के आभूषण और सिद्ध बाबा का त्रिकोण, माता का मुकुट, पीते की दोनों दान पेटियां, कैमरे के 2 DVR, पिछली बार भी 3-4 साल पहले लगभग, हाँ, सुरक्षाकर्मी को बांध के पीछे पटक गए टंकी के वहाँ पे, तो बड़ी मुश्किल से उसको, फिर वो एक पंडित जी हमारे को रात को यहीं रुके थे, उन्होंने उसके हाथ मार्क खोले। VVIP तो सब मंदिर पे जुड़े हुए हैं, यहाँ के हनुमान नागरिक जो शहर राष्ट्रपति भी रथनाथ की, मुख्यमंत्री वगैरह, हाँ मुख्यमंत्री जी आ चुके। लोगों क्या आशा का बहुत बड़ा करके, हाँ जो भी मांगते हैं उनको मिलता है आवास। आज रात में जो है 3 बजे के आसपास जो है 6 चोर जो है आए और सीसी पर यादव गार्ड था उसको जो अपने कैप्चर कर लिया। उसके बाद हनुमान टेकरी, हनुमान जी के मंदिर से जो है और चांदी के अन्य जेवरात वगैरह ले गए और नीचे जो सिद्धनाथ मंदिर है वहाँ से भी माता जी का जो है मुकुट और सिद्धनाथ जी का जो है वो उनका भी मुकुट ले गए। लगभग करीब करीब 3 से 4 लाख का जो है हनुमान जी है यहाँ जो पुजारी जी बता रहे हैं। हाँ, उसमें जो सिद्धनाथ जी मंदिर है वहाँ का जो है दोनों जो है दान पात्र जो है तोड़े गए हैं, उसमें से कुछ चिल्लर और नगदी भी ले गए हैं। चोरी सुबह हुई है करीब तड़के 2:30 बजे से और 3:30-4 बजे तक वहाँ पर 6 नकाबपोश है जहाँ पर बालाजी सरकार के निज मंदिर बाबा पर चोरी उन्होंने की है, तो जिसमें हमारा जो नुकसान हुआ है इसको लेकर पत्रकार जगत में भी आए भ्रांतियां थी, किसी ने कुछ बता दिया था, तो उस आशय को लेकर ये पत्रकार बात नहीं कि जो एक्चुअल नुकसान है उससे हम सब, इसमें हमारा जो सामान अभी गया है तो उसमें समस्त सामान चांदी का है, जिसमें टेकरी सरकार का मुकुट, टेकरी सरकार का गदा, टेकरी सरकार की चरण पादुका, कंगन, पर्वत, कड़े, कवच एवं चांदी की माला, ये हमारे टेकरी सरकार के निज मंदिर से चोर ले गए हैं। इसके अलावा नीचे नवनिर्मित माता जी के मंदिर से माता जी का मुकुट, सिद्ध बाबा का तिलक एवं 2 दान पेटियां वहां पर चोरों द्वारा, हम अंदाज करते हैं कि 10 से 20 हजार रुपए, क्योंकि बारिश का मौसम है इसलिए इससे ज्यादा वो उम्मीद नहीं।